सतलुज की लहरों में फंसे बिलासपुर के 3 युवकों को 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बचाई जान। जिला बिलासपुर सीमा के साथ लगते सहेल के साथ बहती सतलुज नदी में एकाएक पानी पड़ने के साथ ही सतलुज तट किनारे घूमने गए बिलासपुर जिला के 3 युवक पानी के बीचों बीच फंस गए, जिन्होंने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन और पुलिस व स्थानीय लोगों की सहायता से मुश्किल में बचाया गया। इस दौरान टीम द्वारा BBMD और NTPC विद्युत परियोजनाओं से दूरभाष पर पानी बंद करवाया गया। 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जब पानी का बहाव और स्तर कम हुआ तब पुलिस जवानों और स्थानीय लोग द्वारा युवक को टाइल से निकालकर सुरक्षित स्थान पर लाया गया। लड़के जो लगभग 25 साल से नीचे हैं वो सतलुज नदी के बीच में फंस गए हुए हैं क्योंकि एकदम से पानी का बहाव बढ़ गया था, जिसके लिए स्थानीय लोगों की मदद से तथा NTPC तथा BBMB जिनसे हमने ऊपर से पानी रुकवाया, जिसकी वजह से पानी कम होने की वजह से हम इनको निकाल पाए हैं। इन 3 लड़कों के नाम कमलेश कुमार, मोहित शर्मा तथा संजीव कुमार हैं, जो तीनों बिलासपुर जिला के रहने वाले हैं। बिलासपुर से तेलंगाना लाइंस के लिए सुरेंद्र जामवाल की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है तेलका हेडलाइन न्यूज और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी है telkaheadlines.in@gmail.com। अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइक कर सकते हैं।